सो so नीति आयोग ने अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स दो हजार लॉन्च कर दिया है एंड आई होप मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये इंडेक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए चाहे वो यूपीएससी है चाहे वो स्टेट पी है आरबीआई ग्रेड भी है नाबार्ड है सी बी है कोई भी एग्जाम हमारे देश का है उसमें ये इंडेक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिमेम्बर ये जो इंडेक्स है थर्ड एडिशन है दो का इससे पहले दो में सबसे पहला एडिशन इसका लॉन्च किया गया था ना ये इंडेक्स लॉन्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है इसका क्या सिग्निफिकेंस है कितने इंडिकेटर्स हैं किस हिसाब से स्कोर दिए जाते हैं स्टेट्स और यूटीज को क्या मेथोडोलॉजी है तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट बिफोर वीव अगेन डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दिस बेलाइकन सो दैट यू कैन रिसीव ऑल दस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द वीडियोज एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्वेजेस एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेशन एंड ऑल्सो अबाउट दी कोर्सेज तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की ऑफ दिस इंडेक्स इस इंडेक्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है तो दोस्तों इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव है ये मॉनिटर करना कि हमारे स्टेट्स और हमारे यूटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एरिया में कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंडेक्स इज टू मॉनिटर प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ना हम सबको पता है कि 2030 तक हम सभी देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को अचीव करना है जो कि 169 टारगेट्स हैं और 17 गोल्स हैं इन सभी को हमें अचीव करना है 2030 तक तो उस 2030 तक जब हम अचीव करेंगे कैसे अचीव करेंगे हमारी कितनी प्रोग्रेस है उस उस प्रोग्रेस प्रोग्रेस को को अचीव मेजर करने के लिए मॉनिटर करने के लिए यह इंडेक्स लॉन्च किया जाता है बाई दी नीति आयोग और अगर हम थर्ड एडिशन को पहले एडिशन से कंपेयर करें तो पहले एडिशन में गाई थर्टीन गोल्स पे बेस्ड थी रिपोर्ट नाउ द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द गोल्स और जो गोल नंबर सेवनटीन है उसकी क्वालिटेटिव पार्टनरशिप तो का क्या रोल है, में, उसकी की है इस रिपोर्ट में और साथ ही साथ 16 गोल्स के इंडिविजुअल स्कोर्स दिए गए हैं सभी स्टेट्स को यूटीज को और कंपेर और कंपोजिट स्कोर भी दिया गया है पूरे देश का जो पहला एडिशन था वो 39 टारगेट्स पे बेस्ड था अब ये 70 टारगेट्स पे बेस्ड है थर्ड एडिशन 169 62 किया गया था पहले इंडेक्स इज मोर कॉम्प्रीहसिव दैन द फर्स्ट एडिशन इसके अलावा इसमें आपको गोल वाइज रैंकिंग ऑन स्टेट्स एंडी के इंडिविजुअल प्रोफाइल्स मिलेंगे कि वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं एरिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विदर्न मिनिस्ट्रीज तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स का और जो थर्ड एडिशन है उसकी कुछ खास बातें हैं नाव अगर हम बात करें स्कोर्स की तो दोस्तों सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का जो स्कोर है वो सिक्सटीन डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाता है और बाद में एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिट स्कोर ऑल द स्टेट्स आर क्लासिफाइड इन टू फोर कैटेगरीज इस कंपोजिट स्कोर के बेसिस uh, पे जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी को चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है नंबर वन इज एस्पिरेंट जिनका स्कोर जीरो से लेके फोर्टी नाइन है नंबर टू परफॉर्मर जिनका स्कोर फिफ्टी से लेके सिक्सटी फोर के बीच में है फ्रंटनर वो हैं जिनका स्कोर 65 से 99 है और अचीवर वो हैं जिनका स्कोर 100 हो गया है यानी कि वो उन्होंने सभी के सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अपने सारे के सारे टारगेट्स को अचीव कर लिया है तो उनका स्कोर कितना हो जाएगा 100 so, बट अभी हमारे देश में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है और ओवरऑल हमारा देश भी ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने सारे के सारे टारगेट्स अचीव कर लिए हो यानी कि कोई भी स्टेट और यूटी ऐसा नहीं है जिसका स्कोर कितना है हंड्रेड राइट नाउ अगर बात करें मेथोडोलॉजी नेटवर्क so, और ये एक नेटवर्क है जो कि मेथोडोलॉजी प्रोवाइड कराता है फॉर दिस इंडेक्स अगर हम बात करें इस इंडेक्स की मेथोडोलॉजी की तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आइडेंटिफिकेशन जितने भी हमारे नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसमें से इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेट वाइज डेटा उसके बाद उन सभी इंडिकेटर्स की नॉर्मलाइजेशन की जाती है यानी कि उनकी रीस्केलिंग की जाती है और जो जीरो है जीरो स्कोर है वो वर्स्ट परफॉर्मर को दिया जाता है और हंड्रेड दिया जाता है बेस्ट परफॉर्मर्स को या फिर उस स्टेट को उस गोल को जहां पे टारगेट हंड्रेड परसेंट अचीव हो गया है इसके बाद जितने भी हमारे इंडिकेटर्स है उन सभी को इक्वल वेटेज दिया जाता है एंड फाइनली सभी गोल का सभी गोल का इंडिविजुअल स्कोर असाइन किया जाता है एंड उसके बाद कंपोजिट स्कोर पे पहुंचा जाता है इंडिविजुअल स्कोर सभी गोल को दिया जाएगा सोलह के सोलह गोल्स को और उसके बाद हर स्टेट का हर यूटी का ओवरऑल हमारे भारत का एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा जिसके हिसाब से फिर स्टेट को उनको कैटेगराइज करना होता है चार कैटेगरीज में जो कैटेगरी हमने पीछे देखा तो यह है इसकी मेथोडोलॉजी किस हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स दो बनाया गया है बाय नीति आयोग और अगर हम बात करते हैं गोल वाइज स्कोर इंडिया की इंडिया का गाइस जो ओवरऑल स्कोर है इसमें है 66 और 2019 में भारत का स्कोर था सिक्सटी और ये जो इंक्रीज हुआ है सिक्स ये जो छे नंबर इंक्रीज हुए हैं इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है दो गोल्स को दो सेक्टर को पहला है गोल सिक्स जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना एट्टी थ्री और दूसरा है गोल सेवन जिसमें हमारा स्कोर नाइनटी टू नाउ ये जो गोल सिक्स है गोल सिक्स क्या होता है गोल सिक्स इज रिलेटेड टू द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सब जानते हैं भारत सरकार की कई स्कीमें हैं जो कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन के ऊपर काम कर रही है जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान दो हजार चौदह से काम कर रहा है इसके अलावा हर घर जल का जो टारगेट भारत सरकार ने रखा है 2024 तक अचीव करने का इसके अलावा जो एसडीजी है वो बात करता है अफोर्डेबल अफोर्डेबल एनर्जी एनर्जी एंड क्लीन की तो बेसिकली भारत सरकार की कई ऐसी हैं और भारत सरकार का टारगेट है कि दो तक हमें दो हजार तक हमें 100 गीगावाट गीगा एनर्ज, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इसके अलावा साढ़े चार सौ गीगावॉट ओवरऑल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है बाय द ईयर 2030 बाय द ईयर थाउजेंड तो अब अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल स्कोर्स की बात करें तो दो हमारे एसडीजी ऐसे है जिसपे हमारा ध्यान होना चाहिए और वो है एस डी जी टू और इसके अलावा है एस डी जी फाइव जिसमें हमारा स्कोर एक्सपिर से भी कम है यानी कि फोर्टी नाइन से भी कम है बहुत पुअर स्कोर है फोर्टी सेवन और फोर्टी एट अभी एसडीजी टू क्या होता है आई होप सबको पता होगा एसडीजी टू जो है वो कहता है कि हमें जीरो हंगर अचीव करना है बाय द ईयर टू थाउजेंड एंड थर्टी बट क्योंकि हमारा इसमें स्कोर फोर्टी सेवन है दैट मीनस की हमारी हालात इसमें बहुत खराब है और इसका जो प्रमाण है वो हमें मिलता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें इंडिया की रैंकिंग नाइनटी फोर थी आउट ऑफ वन जीरो सेवन कंट्रीज तो भारत सरकार को और हमारे सभी स्टेट्स और यूटीज को इस एरिया में काम करना पड़ेगा अब दोस्तों हम चाहे कितना भी क्लीन एनर्जी बना लें कितना भी हम सैनिटेशन पे ध्यान दे लें कितना भी साफ पानी दे दें अगर हम अपने सिटीजन की भूख नहीं मिटा पा रहे हैं तो वो एक बहुत बड़े चिंता का विषय है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एस डी तो एस डी होता है जेंडर इक्वलिटी एंड अब सब जानते हैं भले ही हमारे देश में कितना भी अर्बनाइजेशन हो गया हो आज भी हमारे देश में महिलाओं को उनका पूरा का पूरा अधिकार नहीं दिया गया है कई ऐसे रूरल इलाके हैं जहां पे महिलाओं के साथ का और वाइज स्कोर और ध्यान रखना है जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है दैट इज हाउ मच 66 गोल वाइज स्कोर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप याद रखना चाहते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि वाइज हाइएस्ट स्कोर किसने है तो है एसडीजी सेवन में और गोल वाइज लोएस्ट स्कोर आपको याद रखना है वो किसमें एसडीजी टू डील करता है हंगर से और एस डी जी सेवन डील करता है किससे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से, से. राइट अब बात करते हैं टॉप फाइव स्टेट्स की और बॉटम फाइव स्टेट्स की तो टॉप फाइव स्टेट्स में नंबर वन पे हमारा कौन है केरला जिसका स्कोर है सेवेंटी फाइव तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी स्टेट हमारे देश में ऐसा नहीं है जिसका हंड्रेड स्कोर है तो केरला नंबर वन पे है विद स्कोर ऑफ सेवेंटी फाइव नंबर टू पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है स्कोर सेवेंटी फोर है इनका टाई है आंध्र प्रदेश गोवा कर्नाटका उत्तराखंड सेवेंटी टू स्कोर है नंबर थ्री पे है सिक्किम नंबर चार पे विद स्कोर ऑफ सेवेंटी वन महाराष्ट्र सत्तर पे है इसके अलावा बॉटम फाइव स्टेट्स की बात करें तो सबसे नीचे आता है बिहार फिफ्टी टू स्कोर के साथ फिर आता है झारखंड फिफ्टी सिक्स असम फिफ्टी सेवन अरुणाचल प्रदेश मेघालय राजस्थान उत्तर प्रदेश सिक्सटी पे आता है छत्तीसगढ़ नागालैंड ऑस्ट्रेलिया जिनका स्कोर है सिक्सटी वन सो यह है बॉटम पांच स्टेट और सबसे नीचे कौन है बिहार जिसका स्कोर है फिफ्टी टू तो इसमें आपको टॉप स्टेट याद रखना है और बॉटम स्टेट याद रखना है और उनके स्कोर भी याद रखने हैं केरला है टॉप स्टेट जिसका स्कोर है बॉटम पे है 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 बिहार जिसका स्कोर नाउ ये ये दोस्तों है, गोल वाइज टॉप एंड यूटीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसका आप एक स्क्रीन ले सकते हैं और एक जनरल आइडिया की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसका अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं इन इंडिविजुअल गोल्स जैसे कि गोल नंबर वन नो पॉवर्टी में तमिलनाडु और दिल्ली जो है वो टॉप स्टेट है गोल नंबर टू में जीरो हंगर में केरला और चंडीगढ़ जो है वो टॉप स्टेट्स और यूटीज है तो इस तरीके से आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो यू कैन टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस एंड ऑल्सो दिस ये गोल वाइज टॉप स्टेट्स और यूटीज की लिस्ट है गोल सिक्सटीन तक ओके दिस इज क्वाइट वेरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉप इंप्रूवर्स की यहाँ पे बात हुई है तो मिजोरम हरियाणा उत्तराखंड ये टॉप इंप्रूवर्स हैं 2019-20 में मिजोरम का स्कोर था 56 जो कि 12 पॉइंट से बढ़ के सिक्सटी हो गया बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट किया है मिजोरम ने हरियाणा 57 था उसका अब हो गया 67 काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है और उत्तराखंड का 64 था जो कि बढ़ के सेवेंटी हो गया है तो इन तीनों टॉप इंप्रूवर्स का नाम आपको याद रखना है मिजोरम हरियाणा एंड उत्तराखंड अब चलते चलते बात करें ओवरऑल हमारे इंडेक्स की तो एस्पिरेंट एक्सपिर कैटेगरी में ये अच्छी बात है कि हमारे देश में कोई भी स्टेट या कोई भी यूटी नहीं आता है हमारे सारे के सारे जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं वो परफॉर्मर और फ्रंट रनर की कैटेगरी में है और हाँ साथ ही साथ ये भी है कि कोई भी हमारा स्टेट या कोई भी हमारा यूटी अचीवर की कैटेगरी में भी नहीं है बट यस 2030 तक हमें इनको अचीव करना है और क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है तो डेफिनेटली हम इस अचीवर की कैटेगरी में सारे स्टेट्स को ले आएंगे सारे, सारे यूटीज को ले आएंगे ओके नाउ अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की कि नीति आयोग क्यों इतनी मेहनत कर रहा है इस इंडेक्स को बनाने के लिए क्या रीजन है कि नीति आयोग इतनी मेहनत कर रहा है इस हजार पन्ने के इंडेक्स को उसने लॉन्च किया है तो सबसे पहला रीजन गाइस जो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है इस इंडेक्स का वो ये है कि ये एक प्राइमरी टूल है फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन द एस डीजीज हमारा देश हमारे स्टेट्स हमारे यूनियन टेरिटरीज कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में उसको मॉनिटर करने के लिए ये एक प्राइमरी टूल है दूसरा ये एक पॉलिसी टूल है और ये रेडी रिकॉर्डर है फॉर द गेजिंग फॉर गेजिंग द प्रोग्रेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द एक्सपेंसिव नेचर ऑफ द गोल्स यानी कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे देश में जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं यानी कि जो सरकार है ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ये मदद करेगा ये डिसाइड करने में कि कौन से स्टेट में हमें किस एरिया में ज्यादा काम करने की जरूरत है अब देखो जो हमारा गोल जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यानी कि सत्रह के सत्रह गोल्स हैं वो लाइफ के हर फेर को कवर करते हैं चाहे वो हेल्थ है चाहे वो एजुकेशन है चाहे वो जेंडर इक्वालिटी है चाहे वो हंगर है हर फेयर को कवर करते हैं तो हर फेर को कवर करते हैं दैट कि अगर हमने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को अचीव कर लिया दैट मीन्स कि हम एक डेवलप नेशन की टूअर्स अपने आप को देख सकेंगे सो पॉलिसी डिजाइन में ये बहुत ज्यादा मदद करेगा इसके अलावा स्कॉलर्स को अगर रिसर्च करनी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट uh, में लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी स्टेट के किसी हेल्थ इशू के बारे में अगर वो रिसर्च uh, करना चाहते हैं तो ये इंडेक्स उनको काफी ज्यादा मदद करेगा जनरल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा स्टेट हमारा यूटी हमारी सरकार कितना मदद कर रही है कितना प्रोग्रेस uh, कर रही है इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो दोस्तों ये था नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इन चलते चलते मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक हमें हम हम, हमारे स्टेट्स में से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कि अचीवर uh, की कैटेगरी में आया हो यानी कि हंड्रेड स्कोर के साथ हो तो आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन होने चाहिए भारत सरकार को या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारा जो स्कोर है वो हंड्रेड तक पहुंचे सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट्स द सजेशन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन फॉलो फॉर फॉर बींग इन द कैटेगरी ऑफ अचीवर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड बाई टेक केयर एंड गॉड ब्लेस